episode of Aman Sharma, and in today's episode we were talking about four hacks that you can use while you are reading those big medical books. The reason why I'm telling you, the reason why I'm making this video is because of the fact that medical books are the most boring books ever to be read, because of the fact that the text which is written in there, the appearance of the whole books kind of seems very much boring to me. So we'll be talking about four hacks that you can really use, and I have been using it from, since I should say, like last 6 months I have been using this, and it has kind of proved very much beneficial for me. So that's why I'm making this video. So without wasting any time, let's just get started with the video, and let's just get started with the very first hack which I want to tell you guys. So the very first hack which you can use while you are reading any kind of book or any kind of topic in medicine is to start with the classification of the whole topic, whatever you are reading. Let's just suppose if I have like if you can see right now I'm reading GIT Patho. Okay, so what I have to do is I would go on seeing each and every classifications given in the pathology of GIT. Okay, it is already given in the books and it is being divided into various topics. So what I would do is go on seeing each and every classification of that exact chapter, and after that I would prepare a flow chart, whether it is in tablet or I should say in paper, any kind of, just I have to go on writing each and every classification. So whenever I come back to revise this whole chapter again, then the first thing I would do is to go on seeing each and every flow chart. So with that, like मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से सारे subjects इस सब topic में, कौन कौन से सारे topics मुझे पढ़ने हैं और कौन कौन से सारे topics मुझे याद करने हैं. So वो सारी चीज़ें पहले clear करने के लिए इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि flow chart बनाओ. पहले हम लोग chapter कैसे divided है gastrointestinal tract का pathology में. Gastrointestinal tract pathology में हमारे पास चार टॉपिक्स है बेसिकली जिसमें हमको पढ़ना है. सबसे पहले आता है इसोफेगस, आता है स्टमक, आता है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, सो बेसिकली चार टॉपिक्स में डिवाइडेड, एंड आफ्टर दैट इन स्टमक व्हाट आई हैव टू रीड. सो ऐसे करके हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते जाएंगे हर एक साइड में. सो दैट इज द मेन फर्स्ट हैक विच यू कुड यूज व्हाइल यू आर रीडिंग बुक्स. और इससे क्या होगा ना, तुम्हें जब भी तुम बुक्स पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा ये चीज़ क्लियर है कि हाँ, मुझे इस बुक में, इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़नी है. तो ये चीज पहले क्लियर हो गया. मूविंग ऑन टू द सेकंड हैक विच यू कुड यूज. सबसे पहले तो यार देखो, पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन सा मुझे टॉपिक पढ़ना है. लेट सपोज जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले रहे थे जीआईटी पैथो का ही, सो वी गो ऑन विद दैट एग्जांपल ओनली. सो सपोज आई हैव टू रीड जीआईटी पैथो, सो फर्स्टली आई हैव रिटन ऑल द क्लासिफिकेशन, फर्स्टली आई हैव रिटन ऑल द टॉपिक्स, सब टॉपिक्स इन दैट चैप्टर, एंड आफ्टर दैट आई वुड गो ऑन सर्च इन इंटरनेट कि कौन कौन से वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, कौन कौन सी वीडियोज अवेलेबल है, कौन कौन से वीडियोज रिलेटेड टॉपिक्स के सारी चीजें देख लूंगा. ठीक है, सो आफ्टर दैट आई वुड गेट अ काइंड ऑफ आई शुड से ओवरव्यू ऑफ ऑल द थिंग्स व्हाट आई हैव टू स्टडी इन दैट चैप्टर, और कौन कौन सी चीजें मुझे पढ़नी पड़ेंगी बुक्स में. ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले कोई भी, जैसे बेसिक चीज यही है कि वीडियो लेक्चर्स पहले देखो, एंड उसके बाद जब तुम बुक रीडिंग करोगे. ठीक है, ये चीज जो है ना, ये हैक जो है हर एक चीज में अप्लाई कर लेना, चाहे तुम फिजियोलॉजी कर रहे हो या फिर तुम पैथोलॉजी कर रहे हो या फार्माकोलॉजी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको सबसे पहले क्या करना, उस चीज का, उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर्स देखना, उसके बाद तुम बुक रीड करना. क्या होगा, बुक रीडिंग में आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा, और वो बुक रीडिंग वाला जो तुम्हारा सेशन होगा वो बहुत अच्छे से होगा और बहुत जल्दी होगा. ठीक है, और बोरिंग भी नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी वो सारे टॉपिक समझ में आ चुके हैं. सो द सेकंड हैक इज, सबसे पहले उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर्स देखो, या फिर कोई और रिसोर्स अवेलेबल है वो सारी चीजें देखो, वो सारी चीजों से पढ़ो. सो दैट इज द सेकंड हैक. मूविंग ऑन टू द थर्ड हैक विच आई यूज व्हाइल आई एम रीडिंग एनी काइंड, व्हाइल आई हैव टू रीड एनी काइंड ऑफ बुक्स, इज आई मेक शॉर्ट टर्म गोल्स. लाइक देखो, If you could see, let me. So right now it's fourth. Right now today is 4th March 2021, and what goal I have made for GIT Patho is I have to complete. I have done till 575, I guess. So मैंने page number 575 तक पढ़ चुका है. ठीक है, वो सारी चीजें मैंने book से complete कर चुकी है. आज का goal मेरे लिए ये नहीं है कि मुझे GIT Patho पूरी complete करनी है या फिर इसकी book reading पूरी complete करनी है. जस्ट फॉर टूडे आई हैव टू गो ऑन जस्ट कंप्लीट 579 तक के सिर्फ करना है मुझे. सो दैट इज द शॉर्ट टर्म गोल, दैट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म गोल, कि हर दिन के लिए, हर एक दिन के लिए, ठीक है, जिस भी दिन तुम्हें बुक रीड करना है उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ. ठीक है, जैसे कि
लेट सपोज 570 मैंने पढ़ रखा है, 570 तक पढ़ रखा है, तो मुझे पूरा बुक्स नहीं पढ़ना है और वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आनी नहीं चाहिए। जैसी वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई ना कि जैसे मुझे आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, तो तुम यार वो चीज़ चालू ही नहीं करोगे। सो द होल माइंड सेट क्या बना के चलना है कि आज मुझे इतना ही कंप्लीट करना है, जैसे 575 है 579 तक ही पढ़ना है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। सो ये शॉर्ट टर्म गोल की जो माइंड सेट तुम बना के रखोगे ना, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे देखोगे तुम्हारे बुक रीडिंग का जो स्किल है, बुक रीडिंग की जो स्किल है, बुक रीडिंग की जो हैबिट है, वो बन रही है और तुम धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। एंड विद टाइम यू कैन गो ऑन इंक्रीजिंग द, लाइक ये जैसे आज मैंने 575 से 579 रखा, उसको तुम और इंक्रीज करते जा सकते हो। सो दैट इज द थर्ड हैक। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ हैक इज, नाउ ये वाला हैक पता नहीं किन किन लोगों के लिए काम करे, बट मेरे लिए बहुत काम करता है कि जब भी मैं बुक पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, बहुत बार होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, कई के बार मेरे दोस्त आसपास बात कर रहे हैं, उनसे कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ दिमाग चला जाता है। तो बेसिक चीज़ ये होनी चाहिए ना कि बुक पढ़ रहे हो, जब तुम कुछ पढ़ रहे हो तो तुम्हारा 100% कंसंट्रेशन बुक में रहना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मैं ये करता हूँ कि चुपचाप अपने मोबाइल में कोई ना कोई काइंड ऑफ कंसंट्रेशन म्यूजिक, लो-फाई बीट्स, कुछ भी, ठीक है, कोई भी म्यूजिक लगा के सुनता रहता हूँ, ठीक है। उससे ये होता है कि एक तो सबसे पहले लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब जैसे सपोज मैं विदाउट म्यूजिक के अगर मैं पढ़ रहा हूँ बुक, तो मैं 10 कम से कम आधा घंटा बैठूंगा, उससे ज़्यादा मैं ऐसे बैठा नहीं जाता। बट अगर मैं म्यूजिक लगा के पढ़ रहा हूँ तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा मैं आराम से बैठ के पढ़ सकता हूँ और बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें खुद तुम लोग अपने अंदर देखोगे एंड वो सारी चीज़ों को ऐसे अप्लाई करते जाना। सो या दैट इज ऑल, ये थी 4 हैक्स जो आप लोग को हेल्प कर सकती है बुक रीडिंग में। क्योंकि यार देखो ये 4 हैक्स, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती, बट अभी तक के मैंने ये सारी चीज़ें यूज करी और ये काइंड ऑफ वेरी मच हेल्पफुल हुई है मेरे लिए। दैट्स वाई आई एम टेलिंग दिस वीडियो, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो या दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल में और अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। सो विद दैट लेट मी जस्ट एंड दिस वीडियो। दिस इज अमन शर्मा साइनिंग ऑफ। वी वुड बी बैक विद अनदर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। जाके इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, बड़े अच्छे इंफोटेनमेंट रील्स बनाता हूँ, ठीक है। सो यार मिलते हैं एक और नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।